हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, अगर आप लोगों की भी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की हड्डियाँ मज़बूत हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मज़बूत हड्डियों के लिए विटामिन के का सेवन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग अपनी डाइट में विटामिन के का सेवन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और ये चीज़ भी आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि किन चीज़ों में विटामिन के की भरपूर मात्रा होती है, जिन चीज़ों का सेवन करके आपकी हड्डियां मजबूत रहती है। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि किन चीज़ों को लेने से आप लोगों के शरीर में विटामिन के की पूर्ति हो जाती है, जिससे कि आप लोगों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए समय समय पर से विटामिन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब जानते ही होंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए लाभदायक होता है। विटामिन B6 और B12 हमारे शरीर को कैंसर जैसे रोग से बचाते हैं। उसी तरह एक विटामिन है जिसे विटामिन के कहा जाता है। विटामिन के हमारे शरीर में लीवर, हार्ट और किडनी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ये शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है। वहीं बात अगर हम लोग हड्डियों की करें तो कैल्शियम के अलावा विटामिन भी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। बॉडी में अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो व्यक्ति को हल्की सी चोट लगने पर फ्रैक्चर या फिर ब्लीडिंग होने लगती है। गर्भवती महिलाओं में विटामिन के भ्रूण के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोगों की हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप लोगों को छोटी सी चोट लगने पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों के शरीर में विटामिन के की कमी हो चुकी है। वैसे भी फ्रेंड्स, सभी लोगों को ये पता होगा कि कैल्शियम की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें हड्डियों से जुड़ी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी भी हो जाती है तब भी हमें हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन के की कमी को आप लोग कैसे पूरे करें और कौन से ऐसे आहार लें जिनमें विटामिन के की भरपूर मात्रा हो। तो चलिए जानते हैं, शरीर में विटामिन के और विटामिन के टू की कमी को पूरे करने के लिए दही, पालक, कीवी, एवोकाडो, अनार, हरे मटर, नींबू, गाजर, बादाम, चिकन, अंडा, सलगम, पत्ता गोभी और चुकंदर जैसी चीज़ें आप लोगों ने अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लें हैं। हालांकि फ्रेंड्स, इनमें से ज़्यादा चीज़ें सर्दियों में पाई जाने वाली सब्जियां और फल हैं, मगर आपको इनमें से जो मिले आप उसका सेवन अधिक से अधिक ज़रूर करें। आप लोगों ने कीवी भरपूर मात्रा में खाना है क्योंकि कीवी में विटामिन के अलावा विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। कीवी 12 महीने बाजार में मिलने वाला फल है। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर आपको रोगों से बचाने की ताकत रखता है। कीवी के अलावा आप लोग एवोकाडो का भी सेवन कर सकते हैं, इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। वहीं आप लोगों ने सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल करना है। कभी कभार या फिर चाहें तो आप लोग सोयाबीन ऑयल से पकी सब्जियों का सेवन करें। सोयाबीन तेल शरीर को शक्ति प्रदान करता है, हड्डियों के साथ साथ ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी रखता है। वहीं आप लोगों ने ब्रोकली का भी भरपूर मात्रा में सेवन करना है। ब्रोकली विटामिन के का बेहतरीन स्रोत है। ब्रोकली में कई फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ ही इसमें लोहा, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, विटामिन ए, विटामिन सी भी पाया जाता है। ब्रोकली को उबालकर या फिर आप लोग इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से इसे खाना है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे फल जिन्हें आप लोगों ने लेना है अपनी डाइट में। अगर आप लोग इन चीज़ों को लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी पूरी हो जाएगी और आप लोगों को हड्डियों से जुड़ी, लीवर से जुड़ी, हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को अपने एक और नई हेल्थ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।